अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो क्या हाल चाल है, उम्मीद है सब कैरेक्टर को खुश हो। तो आज मैं रिएक्शन फर्स्ट टाइम रिएक्शन कर रहा हूँ नेपाली सॉन्ग पर। वैसे मैंने एक टिकटॉकर के सॉन्ग पर रिएक्शन किया हुआ है पहले भी, लेकिन ये नेपाली सॉन्ग जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है जिसका नाम है तिम्रो मन मा आकांक्षा, फीमेल वर्जन। तो मैंने नहीं कभी सुना, तो अभी करने वाला हूँ रिएक्ट। तो देखते हैं, पॉल शाह इसमें तो अच्छा, वो मेरे फेवरेट टिकटॉकर हो चुके हैं, मतलब उनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एज अ मेल पर्सन। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, मज़ा आने वाला। फर्स्ट टाइम है नेपाली सॉन्ग पर, मतलब एल्बमी सॉन्ग, क्योंकि ये एल्बमी सॉन्ग है। पॉल शाह को देखो भाई, तो उनकी लुक देखो तुम। काश मुझे इसकी समझ भी आ रही होती, मजा तो बड़ा। अच्छा मुझे अगर इस चीज में किसी चीज का अलग से मजा आ रहा है वो आ रहा है पॉल शाह की लुक का, वो बड़ा मजेदार बन रहा है, क्योंकि मैंने इनके काफी सॉन्ग रिएक्ट फर्स्ट टाइम इनके सॉन्ग वैसे मैंने सुने, मतलब जब मैंने इनके टिकटॉक पर रिएक्शन दिया ना तो मैंने इनके काफी सॉन्ग सुने। अच्छा मुझे लगा ये भी गाएंगे सॉन्ग, लेकिन ये मॉडल की तरह इस गाने में नहीं गाया। अच्छा इस तरह के म्यूजिक के जो सॉन्ग है ना वो सीरियस में मैं सुनता हूँ जब मैं कोई काम कर रहा हूँ और हेडफोन लगाऊँ, तब जो एंड लेवल का मजा था हाई वॉल्यूम कर, तब ये मेरे मोबाइल में सेफ होने वाला है और ये मैं सुनता रहूँगा, ऐसे ही बड़ा मज़ा आता है काम में, फिर पूरा दिन लगता है। समझ ना भी आए कोई टेंशन नहीं, लेकिन म्यूजिक की चस करा रहे हैं। स्पेशल जाने भए रेडी म त बाकी रहिन, चौबन्दी चोली अनि फुल पुट्टी साडी म सजाएर लान्छु तिमीलाई मेरो गाडी म मुस्क हाँसेर बोल्छु। अच्छा मैं काटने वाला था, मुझे लगा वो क्रेडिट वगैरह। यो मस्त जवानी हेर न मेरो मन हुन्छ बेमानी, अब हेर मेरो मन मन्दैन तेरी कुरा गर्न, खत्म हो लेने दे सारा यो भयो।
ये रहा नेपाली सॉन्ग। और यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा था, समझ नहीं आई, उस चीज़ को साइड पे करो, उसको इग्नोर करो, लेकिन म्यूज़िक का बड़ा मज़ा आया। और पॉल शाह की लुक का बड़ी मज़ेदार से लुक है उनकी भी यार, मतलब सच में कुछ लोग होते हैं ऐसे कि मैंने अभी इनके सिर्फ टिकटॉक वीडियोज़ देखी और मूवीज़ तो मैंने अभी तक कोई नहीं देखी, और अगर मैं देखूँ भी कैसे, अगर हिंदी डब में हुई तो समझ आएगी, वरना मुझे नहीं आएगी इसमें। हाँ नेपाली सीखने के बाद है, और इनके सॉन्ग सुने तो मज़ा आया, मतलब काफ़ी वो भी इस तरह के सिर के ऊपर से ही गए, लेकिन हाँ म्यूज़िक और इनकी, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान हूँ तो मुझे वो 20-30% तो समझ आ ही जाता है कि भाई अच्छा ये इस तरह सीन, ये स्टोरी इस तरह चल रही है, चाहे लिरिक्स समझना है, समझे। हाँ वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉन्ग था, और ऐसे ही इन फ्यूचर नेपाली और सॉन्ग्स पर रिएक्शन आता रहेगा, ज़रूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।